आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। नो पार्किंग से ट्रैफिक पुलिस ने उठाई गाड़ी, जांच में पता चला कि गाड़ी आरटीओ में रजिस्टर ही नहीं हुई। दरअसल सोलापुर शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक की समस्या ना हो इसलिए ट्रैफिक विभाग की ओर से नो पार्किंग जगहों से क्रेन की मदद से गाड़ियों को उठा लिया जाता है और उन पर अच्छा खासा जुर्माना भी लगा दिया जाता है। लेकिन पुलिस कांस्टेबल स्वामी ने एक गाड़ी पर कार्रवाई की तो पता चला कि आशुतोष रामकृष्ण दांडी नामी व्यक्ति ने साल 2018 में एक गाड़ी खरीदी थी, लेकिन उसने गाड़ी की पासिंग ही आरटीओ में नहीं करवाई थी। दो सालों बाद आशुतोष ने उस गाड़ी को सैपन सदाकत कुरेशी नामी व्यक्ति को बेच दिया, जिसके बाद सैपन ने उस गाड़ी पर मनचाहा नंबर प्लेट लगाकर घूम रहा था। पुलिस कांस्टेबल स्वामी ने गाड़ी बेचने और खरीदने वाले इन दोनों के खिलाफ फौजदार चौड़ी पुलिस थाने में फिरियाद दर्ज करवाई, जहां पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर इन दोनों को हिरासत में लेकर दो दिन की पुलिस कस्टडी में ले लिया है। इस मामले की अगली जांच पुलिस निरीक्षक विष्णु गायकवाड़ कर रहे हैं।